तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि क्रॉसबो क्या चीज़ होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्रॉसबो क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल से जो धनुष चलाते हैं तो उसको हम लोग को क्या करना होता है कि हाथ से लेकर चलाना होता है। लेकिन फ्रेंड, जो क्रॉसबो होती है वो थोड़ा एडवांस लेवल पर होती है, यानी कि उसमें धनुष के साथ साथ ट्रिगर भी लगा होता है। तो हमें सिंपली धनुष को ट्रिगर की सहायता से चलाना होता है। और फ्रेंड्स, ये उससे थोड़ी एडवांस लेवल पे होती है। और फ्रेंड्स, लेकिन जो क्रॉसबो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्रॉसबो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स एक मिनी क्रॉसबो बनाया है, जिसको आप बिल्कुल आसानी से कुछ इस प्रकार से चला सकते हो। और फ्रेंड्स, इसकी सहायता से आप बैलून को भी फोड़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मिस्टर कूल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मेकिंग से रिलेटेड वीडियो को बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस प्रकार के पेपर चार्ट की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो भी पार्ट जिस भी साइज़ का लगेगा, मैंने उन सारे साइज़ को यहाँ पे लिख दिया है और सबकी शेप भी दे दी है कि आपको कौन सा पार्ट कौन से शेप में काटना है और उसकी साइज़ कितनी होगी। तो इसे मैंने खुद बनाया फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके पी डी एफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक कट कर लिया है, जो कि मैंने इसके साइज़ के हिसाब से काटा हुआ है। तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसके पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप इसे A4 साइज़ पे प्रिंट करा सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा बीच का पार्ट है, ये वाला हिस्सा, तो इसके लिए मुझे मोटी वाली आइसक्रीम स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मोटी वाली आइसक्रीम को स्टिक को इस प्रकार से काट लिया हूँ। और ये जो ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उसके लिए मैंने पतली वाली आइसक्रीम स्टिक लिया है। तो इन सभी को मैंने उसके हिसाब से कट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर वाली दो आइसक्रीम स्टिक को उठाऊँगा और इसके बाद फिर फ्रेंड्स हमें इस प्रकार की क्लिप की, दो क्लिप की आवश्यकता होगी। तो इसे मैंने 20 रुपये का 12 पीस खरीदा है। तो यहाँ से मैं दो निकाल लेता हूँ। तो अब मैं इसका साइज़ भी बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत से साइज़ में आता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर का है। तो इसे आपको दो ले लेनी है और इसके ऊपर हमें आइसक्रीम स्टिक को इस प्रकार से चिपका देना है। तो मैं इसे चिपका देता हूँ। और फिर जो हमारा दूसरा वाला क्लिप है उसके ऊपर भी हमें इसे चिपका देना है। अब फ्रेंड, जो हमारा दूसरा वाला आइसक्रीम स्टिक है उसे हमें इसके आगे चिपका देना है। तो मैं उसे भी चिपका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा दूँगा और मैं इसके ऊपर इसे चिपका देता हूँ। अब फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब यहाँ पे मैं बीच वाली तीन आइसक्रीम स्टिक को लूँगा। तो अभी मैं इसे साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो मेरे पास तीन पीसेज हैं। तो बीच वाला जो आप आइसक्रीम स्टिक देख रहे हो, ये उन दोनों की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। तो दो बड़े साइज़ के हमें अगल बगल लगा देने हैं और जो जो थोड़ा छोटा वाला है उसे हमें बीच में लगा देना है। तो इसे मैं लगा दे रहा हूँ। अब जो हमारा बड़ा वाला हिस्सा है उसे मैं साइड में लगा दूँगा। तो जो छोटा वाला है वो हमारा बीच में रहेगा और बड़े वाले दोनों अगल बगल रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लू लगा हुआ है उसे हम बीच से कटिंग करके अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसे निकाल देता हूँ, जो भी हमारा एक्स्ट्रा ग्लू है। तो अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो ये जो आप अभी देख रहे हो, जो बीच में आ गई थी, ये हमारी एक मेहमान है छोटी सी। तो ये वीडियो में बार बार चली आती है, इनको आना पसंद है। तो अब फ्रेंड, जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ग्लू कट करके निकाल लेता हूँ, ताकि इसकी फिनिशिंग ज़रूरी है। अब मैं इसे बीचों बीच यहाँ पर इस प्रकार से चिपका दूँगा। तो यहाँ पे इसे चिपका देने के बाद फ्रेंड्स हमें इसके अगल बगल भी थोड़ा सा ग्लू लगा देना है, ताकि इसे अच्छा सपोर्ट मिल सके। तो मैं इसके अगल बगल भी ग्लू लगा दे रहा हूँ।
अब फ्रेंड्स हमें इस प्रकार के धागे की आवश्यकता होगी, तो इसके ऊपर हमें धागा अच्छे से लपेट देना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेन हिस्सा है, इसे मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो हमारा लोड है वो इसी के ऊपर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से फेविक्विक से चिपका दूँगा इसे सभी तरफ से। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक लगा दे रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये फेविक्विक लगा देने बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो अब हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें इन तीनों टुकड़ों को उठा लेना है और हमें इस प्रकार से इसे चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे चिपका दे रहा हूँ और इसे थोड़ा फिनिश भी कर दूँगा। और इसके हमें जो हमारे क्रॉसबो है उसके पीछे हमें इसे इस प्रकार से चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए फ्रेंड्स आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उससे ये जल्दी चिपक जाएगा। अब फ्रेंड जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का डॉट बनाया हुआ है, एक निशान बनाया है। तो ये हमारा स्टार्टअप पॉइंट से 7.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेंसिल से निशान बनाया हुआ है। तो ये हमारा 7.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं यहाँ पर इसे कट कर लेता हूँ, इसे कुछ इस प्रकार से कटिंग करना है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से कट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी साइज़ भी दिखा दे रहा हूँ कि ये कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि हमारे पेपर चार्ट में लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। तो अब हमें नीचे की दो स्टिक को उठा लेना है और उसे हम इस प्रकार से चिपका देंगे। और इसे जो हमारा क्रॉसबो है उसके पीछे वाले हिस्से पे हमें यहाँ पे चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए फ्रेंड्स मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे चिपका देता हूँ। अब फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब फ्रेंड्स फिर हमें इस प्रकार का धागा ले लेना है और इसे लगभग 15 राउंड हमें इस प्रकार से कर लेना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो फ्रेंड धागे की जो हमारी मोटाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने इसे 15 राउंड फोल्ड किया है। तो अब हमें इसके ऊपर इस प्रकार से चिपका देना है। तो सबसे पहले हम गट्ठी बांधेंगे और फिर गट्ठी को हम चिपका देंगे ताकि हमारा मजबूत हो सके। और फिर फ्रेंड्स हमें इसे उंगली से कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मरोड़ देना है ताकि ये मजबूत हो सके। और फिर हम इसे अच्छे से इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो अब मैं आपको इसकी दूरी भी दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा लगभग 11 सेंटीमीटर की दूरी है इसके बीच में। तो अब हमें इसे चलाने के लिए इस प्रकार से इसे पीछे फंसा देना होता है, और जब भी हमें इसे चलाना होता है तो अंगूठे से हम इसे घिसका देते हैं तो ये हमारा चलता है। तो अब इसके हमें तीर बनानी होगी। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड जो हमारी आइसक्रीम स्टिक है पतली वाली, उसे हम बीच में से इस प्रकार से कट कर लेते हैं। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स इसे कट करने के बाद हमें इसकी फिनिशिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसे फिनिश करेंगे तो ही अच्छे से चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी फिनिशिंग कर लेता हूँ बालू वाले कागज़ से। और फ्रेंड्स फिर हमें इसे पीछे से इस प्रकार से सीधा कट कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब हमें इसे क्रॉसबो के ऊपर इस प्रकार से लगाना है, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर अभी रोक रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे घिस के थोड़ा सा पतला कर देता हूँ पीछे वाले हिस्से को, तो ये हमारा अंदर की ओर घुस जाएगा। तो यहाँ पे इसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने पतला कर लिया है। तो अब मैं इसे लगाऊंगा तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स अब ये हमारा अंदर आसानी से चला जा रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा चला के भी टेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा चलने लगा है। तो अब फ्रेंड्स जो हमारा काजू वाला क्लिप होता है उसके अंदर से हमें जो हमारी लोहे वाली कील होती है उसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसके पीछे वाले साइड हमें यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी कटिंग कर ली है और इसके पीछे मैं इसे चिपका दूंगा, और फिर हमें इसे धागे से लपेट के थोड़ा और मजबूती दे देनी है अच्छे से। और फिर धागे के ऊपर भी हम फेविक्विक लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो सके। तो यहाँ पे मैं फेविक्विक लगा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं एक और जो है कि हमारा तीर बनाऊँगा। तो ये फ्रेंड्स बैलून वगैरह फोड़ने के लिए आप इसे बैलून फोड़ सकते हो। तो ये क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक और तीर बना रहा हूँ। तो इसमें मैं माचिस की तीली का प्रयोग करूँगा और इसे मैं आगे वाले हिस्से पे इस प्रकार से चिपका दूँगा, और इसे मैं ग्लू गन से इस प्रकार से ग्लू लगा दे रहा हूँ ऊपर,
ताकि ये जो हमारा कम खतरा कर सके। यदि अगर इसे किसी को लगता भी है तो उससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अब मैं इसे भी एक बार चला के दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।